जैस्मिन की घर के अंदर एंड्रे को लेकर सभी के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जैस्मिन का एविक्शन स्क्रिप्टेड था और मेकर्स को जैस्मिन को बेघर करके ये साबित करना था कि कलर्स के फेस भी घर से एविक्ट हो सकते हैं। इस वजह से सभी जैस्मिन फैंस और जसली फैंस जैस्मिन की घर के अंदर एंट्री करवाने की आवाज उठा रहे हैं। तो वही मेकर्स भी लगातार सोशल मीडिया पर इस बात का हिंट दे रहे हैं कि जैस्मिन की घर में दोबारा एंट्री हो सकती है, और इस बारे में हमने आपको कल ही बताया था। पर अब हम आपको बता दें कि जैस्मिन की रीएंट्री पर मेकर्स यानी कि एंडमोल और कलर्स ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन जैस्मिन फैंस और जसली फैंस दोनों को ही काफी ज्यादा खुश करने वाला है। पर इस डिसीजन में एक शर्त भी है जिसे जैस्मिन को मानना पड़ेगा। दरअसल जैस्मिन की रीएंट्री करवाने के बारे में एंडमॉल और कलर्स टीवी ने जैस्मिन से बात की है, और जैस्मिन के आगे ये बात रखी है कि वो जैस्मिन की घर के अंदर दोबारा एंट्री करवा देंगे, लेकिन घर के अंदर जाने के लिए आपको एक शर्त माननी पड़ेगी, और इस शर्त को मानने के बाद ही आपको घर में भेजा जाएगा। शर्त ये है कि जब आप घर के अंदर आएंगी तो आपको 4 से 5 दिन तक के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, और वो क्वारंटीन घर के अंदर यानी कि बिग बॉस के घर के अंदर जैसे अली क्वारंटीन थे बिल्कुल वैसे ही होगा। और जैसे ही उनका ये क्वारंटीन पीरियड खत्म होता है वैसे ही वो घर के अंदर दोबारा चली जाएंगी। जी हाँ, जैस्मिन के घर के अंदर एंट्री अब कंफर्म हो चुकी है, और ये खबर सभी जैस्मिन और जसली फैंस के लिए काफी बड़ी खबर है। वहीं जैस्मिन के घर के अंदर एंट्री कब होगी इस बारे में अभी तक कोई भी क्लियर खबर हमें नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको तुरंत उससे अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि जैस्मिन के घर के अंदर रीएंट्री की खबर सुनने के बाद आप कितने ज्यादा खुश हैं, और इसी तरह की बिग बॉस की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूले तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।